नशे के सौदागर चढ़े पुलिस के हत्थे। अलग अलग स्थानों से अवैध हथियारों के साथ चार नशेड़ी किए गए काबू। हरिनगर से तीन और महेंद्रगढ़ रोड से एक आरोपी किया काबू। चार अवैध हथियार और 33 पुड़िया स्मैक बरामद। CIA पुलिस की कार्रवाई। सभी आरोपी नशा करते हैं और नशे के धंधे में लिप्त हैं। पुलिस पूछताछ में आएगा सामने कहां से लेकर आते थे स्मैक और हथियारों का किस वारदात में करने वाले थे प्रयोग। शहर में अवैध हथियार और अवैध नशे का जो कारोबार चल रहा है, इस संबंध में SP मैम ने CIO को लेकर के टीमें गठित की हुई हैं और कल हमारी CIO की टीम को एक इन्फॉर्मेशन मिली। अब दो तीन लड़के हैं जो हरिनगर के रहने वाले हैं और उधर ही रेलवे ब्रिज के पास गाड़ी में इकट्ठा बैठे हुए हैं और उनकी अगर तुरंत तलाशी ली जाए, पकड़े जाए, तो उनसे नशे का सामान भी और असला भी बरामद हो सकता है। जो CIO इंचार्ज विद्यासागर ने तुरंत अपनी रेड पार्टी तैयार की और उन तीनों लोगों को और ब्रिज के नज़दीक से काबू किया और उनकी तलाशी ली तो उनके पास से तीन अवैध असले और 8 जिंदा कारतूस और 23 पुड़िया स्मैक की बरामद हुई है, जो काफ़ी बड़ी खेप है ये भी। और तीनों बदमाश किस्म के लड़के हैं जिनको अरेस्ट कर लिया गया है और आज जिनको अदालत में पेश किया जाए। इसी तरह से एक और सूचना मिली, अब महेंद्रगढ़ रोड पर भी एक लड़का इस तरह का कोई काम करता है, तो उसको भी CIO ने राउंड अप करके और एक देसी कट्टा और एक राउंड उससे बरामद किया है। अभी कुछ और इनपुट समय मिल रही है, उन पर भी कार्रवाई हमारी जारी है, उन पर भी जल्दी एक और बड़ा एक्शन करेंगे। CIO लगातार सराहनीय कार्य कर रही है, उसके बावजूद भी असले की जो बात आप कर रहे हैं, फिर भी शहर की गलियों के अंदर इस तरह की शिकायतें सुनी और देखी जाती, क्या कहें? आपकी बात से मैं सहमत हूँ। इस दौरान करीब 2 महीने में हमने 30 के करीब असले अब तक पकड़े हैं। इसके बाद भी हमारे पास जो इनपुट आ रहे हैं, अभी कुछ और लोगों के पास असले अभी बाकी हैं और जिनको बहुत जल्दी हम लोग कर दिया। फिर ये जो टीम पकड़ा, इसका पीछे का बैकग्राउंड क्या कुछ है इसका? ये तीनों नशे के आदी हैं, खुद भी नशा करते हैं, अपने नशे का खर्चा निकालने के लिए दूसरे नशा करने वालों को पुड़िया बेचते हैं। घर से गरीब हैं, आवारा किस्म के, जिनकी कोई घर में जुम्मेवारी फिक्स नहीं है। नशा बेचने में अवैध हथियार का क्या काम करते? नशा बेचना और अवैध हथियार, उससे कोई वारदात को कभी इस इन्होंने अंजाम दिया है कभी? नहीं, अभी हमारे पास ऐसा कुछ इनके बारे में आया नहीं, तो कोई अंजाम दिया है, लेकिन अभी पूछताछ जारी है। अगर ऐसी कोई घटना, हाँ बिल्कुल हो सकता है, जो आदमी असला रख रहा है तो वो कहीं ना कहीं तो गलत है, उसने किस पर्पज के लिए असला रखा हुआ है उस बारे में पूछताछ। सुबह ये लेकर के नहीं आते थे, इनको भी एक आदमी बाहर का है, वो कोई सप्लाई दे रहा है, जिसके बारे में मैं अभी ओपन नहीं करूंगा वो कौन है, उसको भी हम जल्दी राउंड अप कर लें। स्मैक का सर एक ही सूत्र है या कहीं शहर में और भी कोई इस तरह के व्यापार करते हैं स्मैक का? फिलहाल हमारे पास 2-3 इनपुट्स हैं जिन पर लगातार कार्रवाई चल रही है।